शरद पूर्णिमा और माँ लक्ष्मी की महिमा अनंत है। माँ लक्ष्मी जी का जन्म अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन को हुआ था और इस दिन को शरद पूर्णिमा और जागृत पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर रात्रि में विचरण करती हैं और अपने सभी सच्चे भक्तों को धन्य धान्य के आशीर्वाद से परिपूर्ण करती हैं। इस दिन घर में लक्ष्मी जी और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। संध्या के समय रस की खीर यानी कि गुड़ की खीर बनानी चाहिए और रात में यह खीर छत पर अल्पना बनाकर रखनी चाहिए। ध्यान रहे खीर को कांच, मिट्टी या चांदी के बर्तन में रखें। अगर पॉसिबल हो तो खीर के अंदर चांदी की अंगूठी या चांदी का चंद्रमा जरूर रख दें। पूरी रात भर खीर को छत पर ही रहने दें और अगले दिन इस खीर की पूजा करके प्रसाद रूप में खाने से शरीर के रोग दूर होते हैं। ऐसी मान्यता ये भी है कि रात भर इस खीर में अमृत बरसता है और इस खीर को खाने से पित्त रोग ठीक होते हैं, शरीर के अन्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा की इस पवित्र रात को भगवान श्री कृष्ण ने योग माया की मदद से ब्रज मंडल में महारास की रचना की थी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब माँ लक्ष्मी राधा रानी के रूप में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रास लीला का आरंभ भी शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। शैव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के ही दिन हुआ था, इसी कारण से इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को कोजा गोरी लौकी भी कहा जाता है। इस दिन संध्याकालीन पुरानी लक्ष्मी प्रतिमा की जगह नई लक्ष्मी प्रतिमा को स्थापित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी को 5 तरह के फल व सब्जियां साथ ही नारियल भी अर्पित किया जाता है। मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना होती है। पूजा में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के अलावा कलश, धूप, दूर्वा, कमल का पुष्प, हर्तिकी, कौड़ी, आरी यानी कि छोटा सुपड़ा, धान, सिंदूर व नारियल के लड्डू प्रमुख होते हैं। जहां तक बात पूजन विधि की है तो इसमें रंगोली और उल्लू ध्वनि का विशेष स्थान है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस दिन कुमारी कन्याएं प्रातः काल स्नान करके सूर्य और चंद्रमा की पूजा करती हैं। माना जाता है कि इससे उन्हें योग्य पति की प्राप्ति होती है। चाहे जो भी हो, हमारे सनातन धर्म में हर त्योहार का अपना एक अद्भुत महत्व है। तो मेरी ओर से आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई।